तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्रेंड आरके में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Uber में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, Uber Go, Primer, Auto, Uber XL, इनमें कितना लोग और कितना सामान जा सकता है। जा दोस्तों, पूरा डिटेल में जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को देख लेना आप लास्ट तक। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप अपना लोकेशन जहाँ पर आपको जाना है वो सर्च कर लेते हो, तो उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है आपके सामने, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर Uber Go, ठीक है, जिसका 89 रुपीज़ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर Primer है जिसका 109 रुपया है, ओके। उसी प्रकार ऑटो है, और यहाँ पर Uber XL भी आ रहा है और Go Sedan भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों Go Sedan पे ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकते हो 130 रुपये में ये छोड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर रेंटल वाले में भी आपको ड्रॉप कर सकता है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है? तो दोस्तों जैसे ही आप Uber Go पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको 89 रुपीज़ में वो Uber Go यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देगा आपके लोकेशन तक। लेकिन इसमें कितने लोग जा सकते हैं? इसमें दोस्तों यहाँ पर Uber Go में आप तीन ही लोग इस Uber Go में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी गाड़ी होती है वो आती है कार टाइप की। उसके बाद में दोस्तों Primer की बात करें तो Primer में यहाँ पर दोस्तों एक से चार लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो Primer में यहाँ पर 109 रुपये किराया देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको चार लोग आपके यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है, एक आगे और तीन पीछे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑटो की बात करें तो ऑटो तो आपको पता ही है, ऑटो में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीन ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, या तो मिनिमम दो लोग, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटो भी हो गया, यहाँ पर तीन लोग आप इसमें बैठा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों Uber XL की बात करें तो अगर आपकी फैमिली में एक से लेकर सात तक लोग है, आपकी फैमिली में अगर सात मेंबर है तो वो भी एक्सल वाले में बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ईटिगा सेवन सीटर टाइप की गाड़ी आती है, इनोवास वगैरह, ठीक है, तो टोयोटा इस प्रकार की गाड़ी इसमें आती है। उसके बाद में दोस्तों Go Sedan की बात करें तो Go Sedan में यहाँ पर दोस्तों चार लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, लगेज भी आप साथ में कैरी कर सकते हो, दो बैग, ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो Uber Go रेंटल का ऑप्शन है लास्ट वाला, उसका मतलब यहाँ पर दोस्तों एक किलोमीटर के एक हावर का आपको 139 रुपीज़ देना पड़ेगा, चाहे वो गाड़ी घूमे या ना घूमे, या फिर 10 किलोमीटर का आपको 139 रुपीज़ ऐसे चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पूरे दिन भर के लिए इसमें आप बुक कर सकते हो गाड़ी को, पूरे दिन भर 12 घंटे के लिए आप अपने साथ में घुमा सकते हो, लेकिन 12 घंटे का 139 पर हावर्स 139 रुपीज़ पर हावर के हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी Uber में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना सामान ले जा सकते हैं। अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।